वहीं एयर इंडिया के बोइंग 747 प्लेन ने आखिरी उड़ान भरी। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अमेरिका में लैंड हुआ। टेक ऑफ के बाद पायलट ने प्लेन से विंग वेव का प्रदर्शन किया। विंग वेव रिटायर हो रहे प्लेन के सम्मान में होता है। पिछले साल DGCA ने इस विमान को डी रजिस्टर कर दिया था, जिसके बाद तभी से इससे एयर इंडिया का लोगो हटा दिया गया था। एयर इंडिया के पास चार ऐसे प्लेन हैं जिन्हें रिटायर किया गया है। बोइंग का पहला 747 प्लेन जो बनकर तैयार किया गया था, 9 फरवरी 1969 को इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। एयर इंडिया को इस विमान की पहली डिलीवरी 22 मार्च 1971 को मिली।